बायोलॉजी में आगे बढ़ते हैं, क्लास सेवन्थ बुक एनसीईआरटी साइंस चैप्टर वन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। चैप्टर वन न्यूट्रिशन इन प्लांट। देखिए अभी तक हमने जिन चीज़ों को डिस्कस किया, सबसे पहले तो हमने ये देखा फूड इज कॉमन टू एवरीवन। फिर हमने फूड कहाँ से आता है उसे ऑब्जर्व किया, वेयर डज इट कम फ्रॉम। हर्बीवोरस होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, ओमनीवोरस होते हैं। फूड के बेसिस, फूड के इंग्रेडिएंट के सोर्सेस के बेसिस पे ही हमने डिसाइड कर लिया कि क्या क्या होते हैं। आगे बढ़े हम, सिस्टम देखा, फिर हमने फूड के कॉम्पोनेंट को खोल के देखा। हमने देखा कि उसमें एक्चुअली में न्यूट्रिएंट की फॉर्म में एग्जिस्ट क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, फैट, विटामिन्स, प्रोटीन्स, रफेज एग्जिस्ट करता है, वाटर होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। ध्यान से देखिए, आप जो घर पे बना रहे हो ना, आप डिश बना रहे हो, फूड नहीं बना रहे। वो फूड जो आपने लिया है वो आपने सिर्फ ले लिया है, आपने प्रकोर किया है, आपने गैदर किया है। उस पटैटो को बनाया किसने? आपने पटैटो करी बनाई, आपने पटैटो के चिप्स बनाए, पटैटो तो नहीं बनाया ना। पटैटो इज़ अ फूड, पटैटो इज़ अ फूड, पटैटो करी इज़ अ डिश, बॉइल्ड राइस इज़ अ डिश, कश्मीरी पुलाव इज़ अ डिश, राइस इज़ अ फूड। फूड कैसे बनता है, फूड कौन बनाता है, ये बड़ी बात है। और फूड से ही आपने न्यूट्रिएंट लिए थे। अब मुद्दा यहाँ पर आ जाता है, न्यूट्रिएंट इज इम्पॉर्टेंट ना, न्यूट्रिशन को समझना पड़ेगा। और न्यूट्रिशन जानते हो क्या होता है, इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इज अ मोड, इज अ मोड टू ऑब्टेन, यार ये तो साइड से देखने का बड़ा प्रॉब्लम है। न्यूट्रिशन इज अ मोड टू ऑब्टेन फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइज इट इन अ बॉडी। तो न्यूट्रिशन इज अ मोड टू ऑब्टेन फूड, और न्यूट्रिशन इज अ मोड फॉर ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइज इट इन अ बॉडी। आई बात समझ में? इसके तहत अब ये देखना बड़ा अनिवार्य हो गया, फूड ऑब्टेन कैसे होता है और यूटिलाइज कैसे होता है। तो फूड को ऑब्टेन करना और फूड को यूटिलाइज करना, ये है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन समझने के लिए फूड को ऑब्टेन करना समझना शुरू होगा। और ऑब्टेन में दो चीज़ें होती हैं, एक वो जो अपना फूड ऑब्टेन नहीं करते, खुद से सिंथेसाइज करते हैं, खुद से सिंथेसाइज करते हैं मतलब खुद से बनाते हैं, और एक वो हैं जो इनके द्वारा बनाए गए फूड को ऑब्टेन करते हैं। तो ऑब्टेन डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर हुआ, ऑब्टेन वर्ड, ऑब्टेन में फूड ऑब्टेन कैसे करना, फूड को बनाने वाले जो हैं, जो खुद से फूड यानी कि खुद से नरिशमेंट करते हैं, सेल्फ नरिशमेंट, ऑटो सेल्फ ट्रॉफ्स माने नरिशमेंट, जो सेल्फ नरिशमेंट करते हैं इन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। अपना फूड ऑब्टेन करने की प्रक्रिया में ये फूड खुद सेल्फ सिंथेसाइज करते हैं, सेल्फ नरिशमेंट होती है इनकी, ये है इनका वे ऑफ न्यूट्रिशन। द वे ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ द प्लांट इज द सिंथेसिस ऑफ द फूड बाय यूटिलाइजिंग द मटेरियल प्रेजेंट इन द सराउंडिंग विद इफेक्ट ऑफ लाइट गिवन बाय द सन। दिस इज न्यूट्रिशन प्रोसेस ऑफ द प्लांट। न्यूट्रिशन वर्ड समझ आ गया? अब इसमें प्लांट की बात कर लेते हैं।
जो लोग अपना फूड ऑब्टेन करने के लिए खुद से फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते, किसी के द्वारा सिंथेसाइज्ड फूड से अपना नरिशमेंट गेन करते हैं, वो होते हैं हेटरो, अदर। हेटरो का मतलब अदर, ट्रॉफ्स माने नरिशमेंट, नरिशमेंट का आधार कहीं और है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। और हेटरोट्रॉफ्स सारे एनिमल इंक्लूडिंग यू हेटरोट्रॉफ्स, दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, दे कैन ओनली ऑब्टेन फूड प्रोड्यूस्ड बाय द ऑटोट्रॉफ्स। ऑल द प्लांट्स, मार्क माई वर्ड, एक्सेप्ट सम आस्पेक्ट लाइक पैरासाइट्स, सम कैटेगरी ऑफ सेप्रोट्रॉफ्स, एक्सेप्ट देम, ऑल द प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। सम ऑर्गेनिजम्स इन द कैटेगरी ऑफ एनिमल्स, सम ऑर्गेनिजम्स कैन मेक देयर ओन फूड ऑल्सो, लाइक एल्गे। मेजोरली ऑल द एनिमल्स कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, मेजोरली ऑल द प्लांट्स कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड विथ सम एक्सेप्शंस। एल्गे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड इन द कैटेगरी ऑफ एनिमल एंड विथ सम एग्जम्पशन एक्सेप्शंस, पैरासाइट्स सेप्रोट्रॉफ्स दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। आई बात समझ में? ऐसे में अब हम समझते हैं इन चीज़ों को। प्लांट, देखिए जब हम प्लांट की बात करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, वो खुद से सिंथेसाइज करते हैं, तो सराउंडिंग मटेरियल, मैंने आपको बोला कि वो सराउंडिंग मटेरियल को यूटिलाइज करते हैं। सराउंडिंग मटेरियल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। सराउंडिंग मटेरियल में क्या है? वाटर है। सराउंडिंग मटेरियल में मिनरल है। सराउंडिंग मटेरियल में सनलाइट है। और इन सारी चीज़ों को यूटिलाइज करके जो फूड सिंथेसाइज करते हैं, तो सिंथेसाइज क्या करते हैं, बनाते क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बनाया जाता है, प्लस ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं, प्लस वाटर बनाते हैं। वाटर बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन करते हैं, वाटर का यूटिलाइजेशन करते हैं, मिनरल्स यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और सनलाइट, फोटो इफेक्ट। तो होता यह है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करके सनलाइट माने कि फोटो इफेक्ट यूज़ करते हैं और फिर ये कर देते हैं, एंड प्रोडक्ट देते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ लीव्स, और आपने आयोडीन सॉल्यूशन के थ्रू स्टार्च के ट्रेसेस देखे थे, यही आपने पोटैटो में भी देखा था। तो लीव्स में, रूट्स में, स्टेम्स में, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में, ये सर जगह पर आपको ये मिला था। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि जो प्लांट है, वेजिटेशन है, उसमें फूड फैक्ट्री कौन है? फूड फैक्ट्री बेसिकली कौन है? लीव्स। लीफ जो है वो फूड फैक्ट्री है। ह्यूमन और एनिमल इन सारी चीज़ों के उसके सराउंडिंग में होने के बावजूद भी अपना फूड खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें वो सब्सटेंस नहीं है जिस सब्सटेंस को कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल द ग्रीन सब्सटेंस, और इस ग्रीन सब्सटेंस में भगवान के द्वारा बख्शी ये ताकत है कि ये लाइट को कैप्चर करके इन द फॉर्म ऑफ हीट ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल को सिंथेसाइज करके ये बनाता है। बस ये ताकत एनिमल में नहीं, क्लोरोफिल नहीं। आज इस चैप्टर की मर्यादा में क्लोरोफिल तक, आने वाली क्लासेस में क्लोरोप्लास्ट और बाकी चीज़ें भी पढ़ेंगे, आज इतना ही पढ़ाना है। तो क्लोरोफिल की खासियत है। आई बात समझ में? ये ग्रीन सब्सटेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने अब जब पढ़ा, तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट, मैंने आपको इसी बुक में 11 चैप्टर में पूरा ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म पढ़ाना है प्लांट का, लेकिन आज के लिए इतना समझिए कि अब इस लीफ तक ये सारा मटेरियल पहुंचता कैसे है। तो आपको पता है रूट्स इम्पॉर्टेंट हैं वाटर एंड मिनरल ले जाने के लिए, मैंने पढ़ाया था। रूट्स सक करती हैं वाटर एंड मिनरल। और स्टेम्स में क्या होता है? स्टेम्स में होते हैं वेसल्स,
वेसल्स एक कंटिन्यूअस पाथवे होते हैं, यही लीव्स तक, फ्लावर्स तक, फ्रूट्स तक, ब्रांचेस के वाया हर जगह तक वाटर एंड मिनरल पहुंचाते हैं। तो लीफ में वाटर एंड मिनरल तो आ गया, रूट्स ने सक किया, स्टेम के वाया वेसल से होते हुए ये पहुंच गया, स्टेम्स में वेसल्स होते हैं। लेकिन अगर मैं इस लीफ की बात करूं, तो इस लीफ को कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस भी चाहिए। वो जो गैसेस इसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड जैसी इनटेक, उसको करने के लिए इसके अंदर पोर स्पेसेस होते हैं। ये पोर स्पेसेस जो होते हैं इन्हें स्टोमेटा कहते हैं। ये स्टोमेटा जो होते हैं ये गार्ड बाय द गार्डेड गार्ड सेल्स, यानी कि अगर मैं आपको एक लीव दिखाऊं, एक लीव की अगर हम क्रॉस सेक्शन की बात करें, तो कुल मिलाकर के ये गार्ड सेल्स हैं और ये स्टोमेटा की ओपनिंग है। गार्ड सेल्स ही क्लोज होते हैं, गार्ड सेल्स ही खुलते हैं, स्टोमेटा इन्हीं के वाया क्लोज और ओपन होता है। जब आप पौधे को पानी डालते हैं तो गार्ड सेल्स स्वेल कर जाते हैं, इसकी वजह से पोर्स खुल जाते हैं और स्टोमेटा ओपन होने से गैसेस एक्सचेंज बेटर होता है, तो फूड अच्छा बनता है पत्तियों में। इसलिए भी पौधे को पानी देना चाहिए, सिर्फ मिनरल ट्रांसपोर्ट करने के लिए नहीं, पोर स्पेसेस खुलें, स्टोमेटा खुले, इसके लिए पानी दिया जाता है। और ये स्टोमेटा ही है जो कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ गैस लेता है और ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ गैस देता है और वाटर को इवेपोरेट करता है, ट्रांसपीरेशन करता है। आई बात समझ में? तो दैट स्टोमेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गार्ड सेल्स, मैंने वर्ड यूज़ किया गार्ड सेल्स, सेल्स जैसे इस कमरा को अगर मैं पूरी एक यूनिट मानूँ तो कमरे की दीवारें हैं, दीवारें एक एक ईंट से बनी है, एक एक ईंट सेल की तरह काम कर रही है। इसी तरह से प्लांट है या एनिमल बॉडी है और टिश्यूज से बने हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बनता है और ऑर्गन से ही आप बनते हैं। आपकी स्किन, लिवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन सब ऑर्गन्स हैं। इन ऑर्गन्स के बिल्डिंग ब्लॉक टिश्यूज हैं और टिश्यूज के बिल्डिंग ब्लॉक सेल्स हैं। तो सेल बेसिक यूनिट है बॉडी का। और सेल की अगर मैं बात करूँ तो सेल कई सारे शेप्स में आपके सामने होंगे। सेल्स के अराउंड एक सेल वॉल रहती है। इसके कई पर्पस होते हैं, एब्जॉर्प्शन पर्पस, एक्सचेंज पर्पस, प्रोटेक्शन। आने वाले दिनों में सेल वॉल भी पढ़ेंगे, प्लांट एंड ह्यूमन के कंपैरिजन करेंगे आप। सेल वॉल होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। आई बात समझ में? इसी के अंदर आपको एक सर्कुलर या स्फेरिकल एक कंसनट्रेटेड मटीरियल जैसा पॉइंट नजर आएगा, इसे सेल न्यूक्लियस कहते हैं। और इसके अराउंड आपको पूरा एक जेली लाइक सब्सटेंस होगा जिसने होल्ड करा है बड़े सारे इंपॉर्टेंट आइटम्स को, जैसे कि वैक्यूल्स। ये जेली लाइक सब्सटेंस को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। आने वाले दिनों में आप डिटेल में इन्हें पढ़ोगे। आज पता लग गया सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो ये सेल की जानकारी मैंने आपको दे दी। इन गार्ड सेल्स के वाया ये जब स्टोमेटा ओपन हो गया, गैसेज एक्सचेंज कर लिए, गैसेज आ गई, क्लोरोफिल नाम के ग्रीन सब्सटेंस ने फोटो इफेक्ट इनिशिएट कर दिया, सारा फूड बन गया और अब वो फूड यूटिलाइज हो रहा है। आई बात समझ में? अब आप कहें कि भाई पूरी तरह से ये जो ग्रीन पत्तियां हैं, तो पूरे वर्ल्ड में जितनी भी तरह की वेजिटेशन है उनमें तो वायलेट, रेड, ब्राउन कई तरह की पत्तियां होती हैं, तो फिर क्या उनमें क्लोरोफिल नहीं होता? उन सब में क्लोरोफिल होता है, लेकिन रेड पिगमेंट, वायलेट पिगमेंट, ब्राउन पिगमेंट ग्रीन पिगमेंट को ओवरपावर कर चुका होता है, लेकिन वहाँ पे क्लोरोफिल प्रॉपर अवेलेबल है और वो फूड बनाने में सक्षम है। आपका सवाल आएगा कि फूड फैक्ट्री आपने लीफ को कहा, क्या खाना सिर्फ लीफ में बनता है? एक्सेप्शन के साथ कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जहाँ पर खाना स्टेम्स में भी बनता है, खाना रूट्स में भी बनता है। और जैसा कि हमने उस दिन वेजिटेशन डेजर्ट की थी और हमने देखा था कि कैक्टस में खाना स्टेम्स में बनता है, फोटोसिंथेसिस स्टेम में, क्योंकि ये सारा खाना जो सिंथेसाइज किया आपने लाइट के इम्पैक्ट में किया, फोटो के इम्पैक्ट में किया, तो इसीलिए इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आपका पूछना यहाँ पे ये होगा कि फोटोसिंथेसिस अगर ना हो तो क्या कोई भी जीवित नहीं रह पाएगा पृथ्वी पे? नहीं रह पाएगा, लाइफ नहीं हो पाएगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफ्स ने किया है। और आपके पास दो ही चीज़ें हैं, या तो पेड़ हैं, पहली बात, पेड़ों को खाने वाले जानवर, तो आप अगर ओमनी